जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा पाने के लिए आप कमेंट में जय माता दी भी लिख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको शनिवार के दिन सिख शादी के क्या उपाय करने चाहिए उसकी जानकारी देने जा रहा हूँ, और अगर आप इन उपाय को करते हैं तो सिख शादी के योग बनते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, या किसी न किसी वजह से आपकी शादी में व्यवधान आ रहा है, तो अब आप केपी की वाणी से 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670 इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाएगी कि आपकी शादी कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो केपी की वाणी पर आप संपर्क अवश्य करें। आइए अब वीडियो में उपाय जानते हैं। तो शनिवार का दिन जो है शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन न्याय के देवता शनिदेव की पूजा उपासना की जाती है। अगर शनिदेव प्रसन्न है तो जातक की शादी शीघ्र हो जाती है। अगर शनिदेव अप्रसन्न है तो जातक की शादी में देर होती है और यह देर 30 वर्ष तक हो जाती है। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप भगवान शिव जी की पूजा उपासना करें। इसके लिए हर शनिवार को जल में काले तिल बिलपत्र मिलाकर जो है शिवलिंग पर अर्घ दे, तत्पश्चात जल में शहद और इत्र मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ दे, और फिर 5 बार दंड बैठक करें और दंडवत प्रणाम कर आप जो है शिव शादी की कामना करें। वहीं ओम नमः शिवाय और ओम श्री शनिश्वराय नमः मंत्र का भी कम से कम 11 या 21 बार जाप अवश्य करें। अगर आप इन उपाय को करते हैं तो सिख शादी के प्रबल योग बनते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको पूर्ण जानकारी देंगे कि सिख शादी के लिए क्या कर सकते हैं आप। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।